नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर हाजिर हैं। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि ओप्पो बेस्ट टैबलेट किस काम में आती है। ये ओप्पो बेस्ट 200mg का वीडियो है। आज हम आपको इसकी फुल इन्फॉर्मेशन देंगे, हम आपको बताएंगे कि ये किस काम में आती है, इसकी डोज क्या होती है, इसको किस किस बीमारी में लेना चाहिए, इसकी MRP क्या होती है, इसका साल्ट क्या होता है। दोस्तों तो पूरी वीडियो को अवश्य देखें। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और आगे आप किस मेडिसिन का वीडियो देखना चाहते हैं वो आप हमें कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को, जिसमें आज हम लाए हैं एक टैबलेट जिसका नाम है ओप्पो बेस्ट 200mg। तो दोस्तों ये जो टैबलेट है इसके अंदर जो साल्ट है, सबसे पहले उसकी बात करते हैं, तो इसके अंदर साल्ट है ओफ्लोक्सासिन। दोस्तों इसके अंदर ओफ्लोक्सासिन 200mg आता है। दोस्तों ये इसकी 400mg भी आती है, लेकिन ये 200mg की वीडियो हम बना रहे हैं। दोस्तों इसका नाम है ओप्पो बेस्ट 200mg और ये ओफ्लोक्सासिन इसके अंदर साल्ट आता है। दोस्तों सब और साल्ट के बाद बात करते हैं इसकी कंपनी की, तो इसे बेस्ट ओचैम कंपनी ने बनाया है दोस्तों, ठीक है। बेस्ट ओचैम स्टैंडर्ड कंपनी है, बहुत सारे आइटम आते हैं इसके, मतलब कि बहुत सारी मेडिसिन आती हैं, बहुत बड़ी रेंज है, तो ये एक अच्छी कंपनी है। और दोस्तों इसकी MRP की बात करें तो इसकी MRP आती है 76 रुपी, ये 76 रुपये की आती है, और 4 10 टैबलेट, मतलब 10 टैबलेट की जो इसकी कीमत है वो 76 रुपये। दोस्तों जैसे कि हम कोई भी मेडिसिन ख़रीदते हैं तो हम सबसे पहले उसकी MRP देखते हैं। दोस्तों हमें MRP के साथ साथ एक्सपायरी भी देखनी चाहिए, जैसे इसकी एक्सपायरी है 8/2024 की और बनी हुई है ये 9/2022 की। दोस्तों MRP के साथ साथ उसकी एक्सपायरी भी देखनी चाहिए, और दोस्तों हमें ये भी देखना चाहिए कि जो MRP है वो उसकी कितने टैबलेट या कितने कैप्सूल की है, 10 की है, 6 की है, 15 की है, या 20 की, या फिर 30 की, क्योंकि दोस्तों जो MRP होती है उसके नीचे लिखा होता है पर टैबलेट, मतलब कि एक पर टैबलेट 10 टैबलेट की है या 15 या 20 या 30, तो वो चीज़ हमें देख लेनी चाहिए, उसके हिसाब से हमें डिवाइड कर लेना चाहिए कि एक टैबलेट कितने रुपये की पड़ी। तो दोस्तों ये जैसे 76 रुपये की है स्टिप, मतलब कि 10 टैबलेट की, तो ये दोस्तों 7.5 रुपये की एक टैबलेट पड़ती है। अब दोस्तों बात करते हैं इसकी डोज की, तो इसकी डोज जो होती है वो चिकित्सक के ऊपर डिपेंड करती है, कि चिकित्सक देखते हैं कि बीमारी कितनी है और पेशेंट का वेट कितना है और पेशेंट कितना झेल सकता है। इसे दो बार तो बताते ही हैं, कम से कम 3 बार भी बता सकते हैं, तो वो चिकित्सक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो 1 बार बताए, 2 बार बताए, या 3 बार बताए। और ये पानी से ही खिलाई जाती है। दोस्तों बात करते हैं इसके काम की, तो दोस्तों ये एक एंटीबायोटिक टैबलेट है। एंटीबायोटिक टैबलेट का इस्तेमाल होता है किसी भी तरह के इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए। मान लीजिए अगर किसी को टाइफाइड हुआ है तो इसे टाइफाइड में दे सकते हैं डॉक्टर, या ये कह सकते हैं कि टाइफाइड में देते हैं डॉक्टर, टाइफाइड में देते हैं। अगर किसी के फुंसी निकल रही है उसमें भी देते हैं, अगर किसी के सूजन आ रही है कहीं भी चेहरे पर, पैर में, हाथ में, तब भी देते हैं, और अगर किसी तरह का जख्म है, घाव है, वहाँ पर भी देते हैं, अगर किसी के पेट में इन्फेक्शन है वहाँ भी देते हैं, अगर किसी के चोट लग गई है वहाँ भी देते हैं। तो दोस्तों ये एंटीबायोटिक टैबलेट है, ये जो जिस वजह से बीमारी आई होती है उस वजह को ख़त्म करने के लिए टैबलेट दी जाती है दोस्तों। और ये जो साल्ट है ओफ्लोक्सासिन, इस साल्ट में हर कंपनी अपनी अलग अलग टैबलेट बनाती है, बस नाम उसके अलग अलग होते हैं, लेकिन साल्ट ओफ्लोक्सासिन ही मिलेगा। तो जैसे ओफ्लोक्स 200mg आती है, जो FDC की 200mg आती है, बेस्ट ओफ्लोक्स बेस्ट भी आती है, ये बेस्ट ओचैम क्वालिटी की है, वो बेस्ट ओचैम की आती है एक बेस्ट ओफ्लोक्स 200। तो दोस्तों इसी तरह से इस साल्ट की बहुत सारी टैबलेट आती हैं जो नाम अलग होता है, क्योंकि कंपनी हर कंपनी अलग अपना नाम रखती है, अगर एक ही नाम रखेगी तो कॉपीराइट हो जाता है, तो इसलिए अलग अलग नाम रखना पड़ता है, लेकिन साल्ट वही मिलेगा आपको। तो अगर आप ये टैबलेट यूज़ कर रहे हैं और उसी स्टोर पे आपको ये ना मिले तो आप ओफ्लोक्सासिन साल्ट में किसी अच्छी कंपनी की ले सकते हैं दोस्तों। बाकी इसका इस्तेमाल चिकित्सक की देखरेख में ही होना चाहिए, क्योंकि ये एंटीबायोटिक टैबलेट है और ये रिएक्शन भी कर सकती है, तो इसलिए चिकित्सक अगर आपको दे तो उसके हिसाब से ही आपको लेनी चाहिए। और बहुत से लोग अगर वैसे ही खा लेते हैं, अगर उन्हें कोई दिक्कत हो जाए तो वो एविल की टैबलेट ले सकते हैं, अगर उनको खुजली बुजली कोई दिक्कत हो तो। हम जब वीडियो बनाते हैं केवल इसलिए बनाते हैं कि अगर आप YouTube पर खोजें कि ये टैबलेट किस लिए आती है तो आपको पता चल जाए कि ये टैबलेट एक एंटीबायोटिक टैबलेट है।
या फिर आप अभी चिकित्सक के यहाँ से मेडिसिन लेकर आए हैं और आपको नहीं पता है कि ये टैबलेट कितनी बार लेनी है या किस बीमारी के लिए दी है, कन्फ्यूजन में आप, तो आपको पता चल जाए कि ये दो बार लेनी होती है या तीन बार लेनी होती है या फिर यह एक एंटीबायोटिक टैबलेट है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर से करें दोस्तों, क्योंकि आप लोग अगर वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियो बनाने का। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और आप चैनल भी सब्सक्राइब करके ही जाएंगे। दोस्तों हमारे चैनल पर दोस्तों 200 से ऊपर वीडियो आ चुके हैं और इसके अलावा और बहुत सारी मेडिसिन के वीडियो हैं, तो आप हमारे चैनल पर और वीडियो भी ज़रूर देखें। दोस्तों आपने अपने कीमती समय में से समय निकालकर हमको दिया, उसके लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।